एटीएम से कैश निकालने से पहले देखें इस वीडियो को। अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है यार? बैंक जा रही हूँ। लेकिन क्यों यार? एटीएम से ना कैश विड्रॉ करने के लिए गई थी। अकाउंट से पैसे तो कट गए लेकिन कैश निकला नहीं। 20 दिन हो गए इस बात को और अभी तक पैसा वापस नहीं आया। परेशान मत हो, अब बैंक तुझे तेरे पैसों के साथ साथ 1500 रूपए और देगा। अब वो क्यों भला? भाई समझिए जरा। देखिए दोस्तों, अकाउंट से पैसे कट जाना और एटीएम से कैश विड्रॉ ना होने की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। इसलिए आरबीआई ने 2019 में एक सर्कुलर निकाला जिसके अकॉर्डिंग अगर बैंक आपको 5 दिन के अंदर अंदर पैसे वापस नहीं करता तो उनको देनी होगी 100 रुपीज पर डे के हिसाब से पेनल्टी। एंड ये रूल सिर्फ आपकी एटीएम ट्रांजेक्शन तक लिमिटेड नहीं है। अगर आईएमपीएस करते हुए या यूपीआई ट्रांजेक्शन में भी आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाता है और दूसरी पार्टी को पैसा रिसीव नहीं होता तो बैंक को विद इन 1 वर्किंग डे आपका अमाउंट रिवर्स करना होगा, अदरवाइज अगले दिन से ही देनी होगी बैंक को 100 रुपीज पर डे के हिसाब से पेनल्टी। यार तुझे ना सब पता होता है, इसलिए कहता हूँ फॉलो मनी मैप।